दोस्तों पत्ता गोभी का खेती तो सभी किसान भाई करते हैं, लेकिन पत्ता गोभी की खेती में जो सबसे ज्यादा परेशान करता है किसानों को वो होता है ब्लैक रोट। और ब्लैक रोट बीमारी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। और ये जो बीमारी है ये ज्यादातर आप लोगों को पत्ता गोभी और फूल गोभी की प्लॉट में ही देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में हम पूरे डिटेल्स में आप लोगों को बताएंगे कि ब्लैक रोट बीमारी एक्चुअली क्या होता है और इसका क्या लक्षण होता है, और उसके अलावा ये जो बीमारी है ये कैसे फैलता है पत्ता गोभी की फसल में, और उसके अलावा इसको हम लोग कैसे मैनेजमेंट करें, या फिर आप लोग अगर कौन सी दवा स्प्रे करेंगे ताकि जो पत्ता गोभी में ब्लैक रोट बीमारी है इसको ना लगने दे, लगने के बाद भी अगर हम लोग कौन सी दवा को छिड़काव करेंगे ताकि ये आसानी से कंट्रोल हो जाए, तो पूरे डिटेल्स में आज हम इस वीडियो में ब्लैक रोट बीमारी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर हमारे इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो डालते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लैक रोट बीमारी क्या होता है। तो ब्लैक रोट बीमारी एक बैक्टीरियल जनित बीमारी है जो कि सबसे ज़्यादा आप लोगों को ब्रासिका जो फैमिली होता है उस फसल में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ब्रासिका फैमिली का जो फसल होता है जैसे कि आप लोगों को पत्ता गोभी हो जाता है, फूलगोभी हो जाता है, ब्रोकोली हो जाता है, तो इस फसलों में ब्लैक रोट बीमारी सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अब दोस्तों बात किया जाए पत्ता गोभी में जो ब्लैक रोट बीमारी है इसका लक्षण क्या है, यानी कैसे हम लोग पहचानेंगे कि इसमें ब्लैक रोट बीमारी लगा है। सबसे पहले आप लोगों को पत्ते के किनारे में आप लोगों को तीन कणाकार धब्बा देखने को मिलता है, थोड़ा थोड़ा पीला कलर का देखने को मिलता है, और ये जो पीला कलर का है धीरे धीरे पूरे पत्ते के अंदर फैल जाता है। आप दोस्तों बात किया जाए ब्लैक रोट जो बीमारी है ये कब फैलता है और कैसे फैलता है। जैसे बीज का सिलेक्शन करते हैं तो उस समय अगर आप लोग संक्रमित बीज को लेते हैं तो भी आप लोगों को ये बीमारी देखने के लिए मिलता है। बीज जो लेना है वो रेसिस्टेंट बीज को ही लेना चाहिए ताकि ब्लैक रोट जो बीमारी है वो हमारी फसल में बाद में ना लगे। और ये जो ब्लैक रोट बीमारी है ये आप लोगों को मिट्टी से भी फैलने का उम्मीद हो सकता है। और उसके अलावा ब्लैक रोट बीमारी एक ऐसा बीमारी है जो कि आप लोगों को मिट्टी में अधिक नमी के कारण भी हो सकता है, इसलिए आप लोग जब सिंचाई करते हैं तो सही से और सटीक समय पर सिंचाई करना चाहिए। और उसके अलावा ये बीमारी अगर एक बार फैल गया तो आप लोगों को लगभग 90-95% तक प्रोडक्शन में कमी देखने को मिलता है। और उसके अलावा अगर आप लोग 3 वर्षों से पत्ता गोभी का एक ही प्लॉट पर कर रहे हैं तो भी आप लोगों को जाके बाद में ये बीमारी देखने के लिए मिल सकता है। और इसीलिए आप लोगों को सेम जगह पे सेम जो क्रॉप होता है वो उसको आप लोगों को नहीं लगाना चाहिए, यानी पत्ता गोभी के जगह पे आप लोग टमाटर मिर्चा का खेती भी कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप लोग फिर से पत्ता गोभी लगाते हैं तो ये जो ब्लैक रोट बीमारी है ये आप लोगों को नहीं देखने के लिए मिल सकता है। और उसके अलावा दोस्तों और एक आप लोगों को काम करना चाहिए, जब आप लोग रोटावेटर देते हैं लास्ट टाइम पर तो उस समय पर आप लोगों को कोपारोक्सीक्लोराइड को 1-2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप लोगों को बुखार देना चाहिए, और उसके बाद ही आप लोगों को रोटावेटर से खेत को आप लोगों को पूरा समतल कर देना चाहिए ताकि हमारे बाद में जाके ये बीमारी ना लगे। फाइनली अगर हम लोग बात करेंगे ब्लैक रोट बीमारी अगर हमारे फसल में लग गया तो उसके बाद हम लोग क्या दवा ऐसा है वो जो कि हम लोग उसको छिड़काव करेंगे ताकि हमारे फसल में यह बीमारी आसानी से कंट्रोल हो जाए, तो उसके लिए आप लोगों को सबसे जो बेस्ट दवा आती है बाजार में वो होता है रोको और बायोमाइसिन। रोको और बायोमाइसिन बहुत ही एक अच्छा दवा है। रोको में आप लोगों को थाइपिनोइड मिथाइल का कॉम्बिनेशन मिलता है, और उसके अलावा जो बायोमाइसिन है उसमें भी आप लोगों को कासुगामाइसिन का कॉम्बिनेशन मिलता है। तो दोनों को आप लोगों को 25 ml के हिसाब से लेना है 15 लीटर के पंप में, और अच्छी तरीके से मिला करके आप लोगों को अच्छी से पूरा एकदम छिड़काव कर देना है ताकि अच्छी तरीके से वो ब्लैक रोट बीमारी कंट्रोल हो जाए। और उसके अलावा अगर आप लोग कोपारोक्सीक्लोराइड को और कासुगामाइसिन का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, जैसे कि बाजार में धानुका एग्रीटेक कंपनी का कोनिका नाम पे मिल जाएगा, इसको भी आप लोग 25 ग्राम प्रति 15 लीटर के पानी में मिला करके छिड़काव करने पर उसमें भी आप लोगों को शानदार रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इसमें एक ध्यान देने का बात है, जैसे आप लोगों का ब्लैक रोट का प्रकोप शुरुआती अवस्था में 1-2 पत्ते में देखने के लिए मिल रहा है, 1-2 पौधे में देखने के लिए मिल रहा है, और उसी टाइम पर आप लोगों को छिड़काव करना है अच्छी तरीके से, तभी आप लोगों को आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों का फसल में ज़्यादा पौधे में लग गया और उसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे ब्लैक रोट बीमारी कंट्रोल हो जाए तो उस समय पर अगर आप लोग कोई भी दवा को छिड़काव करें वो नहीं कंट्रोल होता है। तो यही था दोस्तों पत्ता गोभी में ब्लैक रोट बीमारी के बारे में पूरे डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर हमारे इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं।